Assalamu alaikum everybody, this is Ismail Tariq and I'm from Lahore and the main purpose behind this video is to let you know that I'm a car enthusiast. तो आज जो है आज की वीडियो है इसका टॉपिक है कि हम अपने सुजुकी महरान के जो वॉच है जिसको हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं इसका हम आज रिव्यू शूट करने लगे हैं। तो आए बिना किसी देरी के आपको हम इसका रिव्यू चेक करवाते हैं। तो जी सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे एक्सटीरियर के साथ। एक्सटीरियर में आप देख सकते हैं कि आपको ये किसी भी एंगल से और एक 2004 मॉडल की महरान नहीं लग रही। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो हमने चेंज की हुई है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं इनको हम लोगों ने स्मोक टेंट किया हुआ है। मोर ओवर जो है हमने इसके बम्पर के अंदर ब्लैक पेंट किए हुए थे पार्ट के लिए ताकि इसके अंदर एक छोटी सी जो है मॉडिफिकेशन वाली लुक है। और उसके साथ ही साथ जो है इसके जो ये इंडिकेटर्स हैं इनको भी हमने डायरेक्ट किया हुआ ताकि जो है रात के टाइम पर हमारी गाड़ी एक प्रीमियम किस्म की लुक दे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो इसके अंदर हम लोगों ने 12 इंचेस के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं और साथ ही साथ हमने उसके अंदर फेक ब्रेक रोटर्स भी ऐड किए हुए हैं जो कि आपको ये रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर एक थोड़ी सी प्रीमियम लुक भी आ जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके जो फेंडर्स के ऊपर इंडिकेटर है हमने उनको भी डायरेक्ट किया हुआ ताकि रात के टाइम जो है वो गाड़ी एक प्रीमियम किस्म की लुक दे। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसके जो डोर कार्ड्स हैं ये कन्वेंशनल महरान की जैसे नहीं है, इनको हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है कस्टम मेड बनवाया हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो डोर हैंडल्स हैं इनके ऊपर भी हमने कार्बन फाइबर रैप करवाया हुआ है। गाड़ी के डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन की है कि इसका जो डैशबोर्ड है वो हमने मैट ब्लैक के अंदर पेंट कर दिया और साथ ही साथ इसकी जो फ्रंट पट्टी है इसको हम लोगों ने कार्बन फाइबर के अंदर रैप कर दिया। तो इसका जो डैशबोर्ड पुराने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत के अंदर था तो हमने सोचा कि उसको चेंज करवाने से बेहतर है कि इसको एक बिल्कुल ही मिनिमल से खर्चे के ऊपर हम इसको मॉडिफाई करते हैं और वो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो नहायत ही खूबसूरत फील हो रहा है। और साथ ही साथ इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के ऊपर भी हमने थोड़ा सा कार्बन फाइबर रैप करके उसको मैट ब्लैक में फिनिश दिया। बात की जाए अगर गाड़ी के सेंटर कंसोल बॉक्स की तो वो हमने ब्लैकआउट किया और साथ ही साथ जो है इसका आर्मरेस्ट भी कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर है जो कि गाड़ी के इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। गाड़ी की कीज़ की बात की है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एक की है और आपने मोस्टली जो महरान देखी होंगी उनके अंदर आपको उन किचन के अंदर 3 से 4 कीज़ नज़र आती होंगी। उसकी वजह यह कि महरान की एक प्रॉब्लम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि उसके जो लॉक्स हैं वो अक्सर ख़राब ही रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं उसके एक एक लॉक को बार बार चेंज करवा देते हैं जिसकी वजह से उसके किसी दरवाजे की कोई और होती है, किसी दरवाजे की कोई और होती है। उसके लिए मैंने किया ये है कि मैंने अपने खुद से इसके जितने भी लॉक्स हैं वो मैंने खुद चेंज किए हैं और वो जो लॉक्स हैं वो हमने मार्केट से परचेज़ किए थे उनको हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया और उसकी वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं जिसके ऊपर मेरे 5000 प्लस व्यूज़ हैं। और साथ ही साथ जो है हमने इसके जो डोर लॉक्स हैं हमने वो भी रिपेयर करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं कि आपने किसी भी महरान का दरवाज़ा इतने प्यार से बंद होते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं ये देखें ये हमारी महरान का जो है ये सॉफ्ट क्लोज डोर है जिस तरह मर्सिडीज जी वैगन के अंदर आता है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसी के साथ साथ हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़, चंदौत कराची।